मुगलाई पे बनी है, पहले भी मुगले आजम से लेके सबकी इश्क की कहानी आई है, बट आज की जनता, आज के कुछ दल वाले अपनी अपने दल के लिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए, इतनी चीप पब्लिसिटी स्टंट के लिए संजय लीला बंसाली जी की फिल्म को यूज कर रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। फिल्म पद्मावती पर हो रहे विवाद के बीच राखी सावंत का ये बयान तो आपको याद ही होगा। इस बयान के बाद राखी सावंत का करणी सेना की ओर से जमकर विरोध किया गया था। राखी सावंत का मुंह काला करने से लेकर उन्हें गैंगरेप तक की धमकियां मिली थी। उसके बाद राखी सावंत ने करणी सेना के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन अब राखी सावंत के पद्मावती पर सुर बदल गए हैं। जी हाँ, राखी सावंत ने करणी सेना से माफी मांग ली है। आप भी सुनिए राखी सावंत ने क्या कहा। मैं हूँ राखी सावंत और महाकाल सेना और जितनी भी सेनाज हैं, उन सब से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, राजस्थान के लोगों से, कि मैंने पद्मावती को सपोर्ट किया था फिल्म को, और उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरे आप मेरे भाई बहन हो, मैं भी एक राजपूत हूँ और आप लोग मेरे ही अपने ही लोग हो, मुझे नहीं पता था। मैंने ये तब बोला था जब सब सेना अगेंस्ट नहीं थे, तब मैंने ये बोला था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ दृश्य है फिल्म में जो नहीं दिखाने चाहिए, तो इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, जितने भी राजपूत मेरे भाई है, महाकाल सेना से लेकर जितनी भी सेना है, उनके लिए उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, और आप अपनी छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा कर दें, धन्यवाद। तो जो राखी सावंत पद्मावती को लेकर कल तक सपोर्ट में थी, अब वो भी विरोध में आ गई है और करणी सेना से माफी मांग रही है। वायरल कीड़ा न्यूज़।